अपील? सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, सभी हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स से, कि स्टीरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जो निकल के आया कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करने से, और जो जो पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर का ख्याल रखें। स्टीरॉइड्स और शुगर, इन दोनों का मिश्रण होके ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बारे में हम जनता को जागरूक भी करेंगे। और दूसरा, इसके लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है। ये निकल के आया कि इसके इलाज के लिए कई डिसिप्लिन्स के डॉक्टर्स की टीम बनाने की ज़रूरत है, जो कि उस मरीज का ख्याल रखे। तो हमने जीटीबी में, सरकारी में, प्राइवेट में तो अपने अपने वो करते हैं, सरकारी में हमने जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। और तीसरा, जो इसके इंजेक्शन्स हैं वो, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि बिकॉज सारे, अब जो भी प्रोडक्शन है वो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, तो केंद्र सरकार बांट रही है सारे इंजेक्शंस। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जितने भी इंजेक्शंस की जरूरत पड़ेगी वो देगी। एक्चुअली जैसे कल एक हमने टीम बनाई है डॉक्टर्स की, वो डॉक्टर्स की टीम के पास आपको अप्लाई कर एसओपी जारी किया है कि जो इंजेक्शन है वो किस तरह से दिए जाएंगे, तो उस एसओपी के हिसाब से एक टीम बनाई है, वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं और फिर वो टीम देखती है कि इंजेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। उनके पास कल तक 84 के करीब एप्लीकेशंस आई थी अलग अलग हॉस्पिटल से। वैसे सुनने में जो आ रहा है कि कहीं इतने 200 से ऊपर बता रहे हैं, लेकिन जो कल तक एप्लीकेशन आई थी 84 है। आज शाम तक जितनी होगी आपको हम लोग बता देंगे जो भी होगा। सर, लगातार केसेस जो है वो कम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो रिलैक्सेशन को लेकर कोई बात सरकार लॉकडाउन? वीकेंड पे मैं एलजी साहब से बात करूंगा, एलजी साहब के साथ जो भी चर्चा होगी और जो भी निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। सर, तीन राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित किया, क्या दिल्ली में भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है? जरूर पड़ेगी, हम जरूर करेंगे, जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है हम जरूर सारे स्टेप्स उठाएंगे। थर्ड वेव की तैयारियां, जैसे परसों मैंने मीटिंग की थी सारे ऑफिसर्स के साथ, तो जो जो समस्याएं सेकेंड वेव के दौरान आई वो समस्याएं अब दिल्ली वालों को नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर कई सारे वो हुए। तो एक तो हमने एक टीम बनाई है ऑफिसर्स की, जो कि वो सारी चीज़ों की लिस्ट बनाएगी जिन जो तैयारियां अब करने की ज़रूरत है। जैसे लगभग अभी हम कितने ऑक्सीजन के बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस बार 28,000 पीक गई है मैक्सिमम केसेस की, तो क्या हमें 35,000 या 40,000 ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करनी है? कितने आईसीयू बेड्स की तैयारी करनी पड़ेगी? अब हम ऑलरेडी 6,500-7,000 हमारे आईसीयू बेड्स तैयार हो चुके हैं, तो क्या हमें 10,000 आईसीयू बेड्स चाहिए? इन 10,000 में कितने बच्चों के आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी? कितने ऑक्सीजन बेड्स में बच्चों के बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी? दूसरा, इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई, हमारे पास टैंकर्स नहीं थे। सो ये भी डिस्कस हो रहा था कि क्या दिल्ली सरकार अपने खुद के टैंकर्स अब खरीदेंगे, दिल्ली सरकार हम अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की सोच रहे हैं। दिल्ली की ऑक्सीजन की खपत लगभग 250 एमटी के करीब डेली है, तो कम से कम 250 से 300 एमटी के प्लांट्स हम खुद दिल्ली के अंदर लगाएं, ताकि इस बार अगली वेव जब आए तो हमारे को ऑक्सीजन की दिल्ली के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स बनाने की जरूरत। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कल चर्चा हुई थी। अगले हफ्ते तक ये कमेटी अपनी एक ब्रॉड गाइडलाइंस तैयार कर लेगी, फिर जो खाका तैयार होगा उसके ऊपर फिर वॉर फुटिंग के ऊपर काम होगा, ताकि जब तीसरी वेव आए तो जो जो अड़चने इस बार सेकंड वेव में आई थी वो वाली अड़चने अब अगली बार नहीं आनी चाहिए। एक दूसरी कमेटी हम लोगों ने दूसरी कमेटी बनाई है जो कि डॉक्टर्स की कमेटी है, बच्चों के डॉक्टर्स जो हैं, पीडियाट्रिशियंस जो हैं, वो लोग हमें बताएंगे कि किस किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बच्चा कोई बीमार होता है, आईसीयू में होता है कोविड में, तो उसके पेरेंट्स अगर साथ नहीं रहेंगे तो वो बच्चे को संभालेगा कौन आईसीयू के अंदर? उसी तरह से बच्चे का जो मास्क है वो जिससे ऑक्सीजन लेगा उसका तो साइज ही अलग होगा,
तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि बच्चों के लिए अलग किस्म का हमें इंतजाम करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन हम लोग तो मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी दे, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है एक दो दिन की वैक्सीन और बची है दिल्ली के अंदर, वैक्सीन खत्म हो गई है। तो एक तो ये कि बड़ों को वैक्सीन लगे, बड़ों की वैक्सीन की कमी है, और छोटे बच्चों की वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं है। तो अगर वैक्सीनेशन हमारा पूरा हो जाता है कंप्लीट, फिर मुझे लगता है कि कोरोना से थोड़ा सा